चलो भैया आ जाओ। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाय हेलो करते जाओ। अब मेरी ख्याल से लैग। आ जाओ चलो। आई थिंक अब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अच्छा एक और काम करते हैं, अगर लैग हो तो दो जन मुश्किल से लिखना, जैसे दो जन का नाम बोल देता हूँ, सम्यक तुम बोल देना और ऋत्विक तुम बोल देना, ठीक है? ज्यादा लोग मत लिखना क्योंकि ज्यादा मेरे ख्याल से तुम लिख रहे हो फ्रीक्वेंसी से, उससे और ज्यादा दिक्कतें हो रही है, ठीक है? तो केवल दो जन मुझे बताना कि लैग हो रहा है, तो फिर हम उसके बात करेंगे, है ना? चलो अगर मैं बात करूं इसका स्ट्रक्चर, मैं वापस तेजी से बोल देता हूँ। यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट है, एक लोन पेयर भी है, लुइस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लवर होगा, मतलब ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये सारी चीजें हम इसकी बता चुके हैं, कार्बोनाइन की जो पे जो एक्चुअल में हम एंट्री कर रहे हैं अपने जीओसी पे, ठीक है? तो ये सारे टूल्स थे, कुछ इंटरमीडिएट थे जो बताए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताई। अगेन एक बात बताता हूं, अगर इस लोन पेयर ने कहीं से भी रेजोनेंस में पार्ट ले लिया, तो ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्ट ले गया तो फिर उसके बाद इसे हम काउंट नहीं करेंगे, एंड हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी और ये बंदा भी प्लेनर हो जाएगा। नोट भी कर लो, और ये बंदा कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका नहीं रहे, तीन तो बॉन्ड बन गए और दो रहे, राइट? तो नोट कर लो फटाफट से, जय जल्दी कर लो इसे यार। तो देखो मैं बहुत बेसिक से लेके गया हूं, मैंने कंसीडर भी नहीं किया कि आपको कुछ पता है, और इवन मैं कंसीडर करूंगा भी नहीं, मैं एंड तक यही मानूंगा कि आपको कुछ नहीं पता। तो जब मैं इंडक्टिव बताऊंगा तो उतना ही बताना है जितना हमें इंडक्टिव के बारे में पता है। चलो कर लिया बच्चों नोट, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज समझ में आया, -1 आएगा इस पर, ठीक है, नोटेड, वेरी गुड। अब देखो हम लोग रियल में अपने जीओसी में एंटर कर रहे हैं, और जीओसी को ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस हम लोग तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है? sp3 कैसे आया, दक्ष तीन तो सिग्मा बॉन्ड थे और एक लोन पेयर था, टोटल काउंट उसका चार आ रहा था, तो चार काउंट मतलब sp3 है। दक्ष अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है हाइब्रिडाइजेशन में तो तुम मेरा हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है, ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिया, ठीक है? चल कोई बर्बाद नहीं हुआ क्षितिज, अब वी जस्ट स्टार्टेड विद दैट, राइट? तो अब अगर मैं बात करूं तो अब हम एंटर कर रहे हैं जीओसी पे, तो ऑन द बेसिस, ये चैप्टर बहुत जरूरी चैप्टर है बिकॉज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड होगी, तो आप जो कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो वो सब मैं यहीं करा दूंगा, प्लस हम लोग कुछ निमोनिक्स को और जान लेंगे, राइट? आर्या मदन सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तीन बॉन्ड बन चुके हैं, दो जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, प्योर ऑर्बिटल, अगेन वो भी परपेंडिकुलर टू द वो है, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो तो मैंने बता दिया ऊपर लग रहा है उसका, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देख लेना दक्ष, अगर दिक्कत आ रही है तो, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में कवर किया है ना, दो वीडियो के अंदर। तो अगर मैं बात करूं जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 30 मिनट में खत्म हो जाएगा वाला पार्ट, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हम लोगों ने कुछ चीजों में इसे डिवाइड किया है, कुछ तो हम यहाँ पे इफेक्ट्स पढ़ेंगे, देन हम इसके अंदर पढ़ेंगे एसिड बेस स्ट्रेंथ, एंड लास्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे टोटोमेरिज। टोटोमेरिज हम यहीं पे पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा आपको रेजोनेंस से ये चीज रिलेट भी हो पाए और उसके क्वेश्चंस हो जाए। अगर बच्चों मैं इफेक्ट्स की बात करूंगा तो आपके दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। परमानेंट होते हैं वही ज्यादा काम के होते हैं और उस पार्ट को हम लोग ज्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे, टेम्परेरी वाले जो होंगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखेंगे। तो जो परमानेंट होता है उसे भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो होता है आपका इंडक्टिव,
ये इफेक्ट होगा जो सिग्मा बॉन्ड से डील करता होगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है आगे बढ़े। चलो तो मैं बोलता हूं इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये सिग्मा बॉन्ड से डील करता होगा। देन आप पढ़ते हो रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस में ही आप मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेते हो राइट। उसके बाद आप लोग पढ़ते हो इस रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तीन इफेक्ट एक एक करके करोगे, इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। रेजोनेंस में हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, आप चिंता मत करो बस नाम बता रहा हूं। टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर भी हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रो मेरिक और एक इंडक्टो मेरिक। तो अगर मैं इधर बात करूं तो टेम्परेरी होता है ये इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ही होता है, कोई रिएजेंट होगा उसके प्रेजेंस में दिखाएगा, बट ये परमानेंटली एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है राइट। वेट करो रिफ्रेश करो, सम्यक बोल देगा और ऋत्विक बोल देगा और एक और इधर से बोल देता हूं और आर्यन बोल देगा, तीन लोग बोल देंगे है ना। तो ये तीन चीजें बस मैंने नाम लिखाए, अब एक एक करके चीजों को ले रहे हैं। अब सबसे पहले जो हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज योर इंडक्टोमेरिक इफेक्ट राइट। ठीक है तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये लिखना है लिख लो ठीक है, बस जनरल जानकारी। तो एक काम करो इसकी एक डेफिनेशन भी लिख लो, आप लिख लो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इनको हम क्या कहते हैं जो अब मैं इफेक्ट बता रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रॉन। मैं इसीलिए कर रहा हूं यार अभी देख लैग नहीं हो रहा ना तो जल्दी जल्दी खींच लेते हैं थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, लिख दिया। चलो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है जरा लिख लो इसके बारे में। आर पार्शियल और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर पार्शियल और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आर पार्शियल और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल राइट। चलो तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इफेक्ट देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हम सारे अभी परमानेंट ही पढ़ेंगे राइट, इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं इंडक्टिव। ठीक है बच्चों तो अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने जैसे आप लोगों को जब अब आपको तो नहीं यार जितने भी लोगों को मैं पढ़ाता हूं जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो उससे पहले वो पूरी जो सीरीज होती है प्रायोरिटी की वो रटा देता हूं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। इंडक्टिव इफेक्ट में भी दो इफेक्ट होंगे, दोनों इफेक्ट को अभी समझेंगे पर उसको समझने से पहले एक सीरीज को याद रख लेते हैं तो हमारे बड़े काम में आएगी। बस अभी लिख लो माइनस आई सीरीज है, माइनस आई इफेक्ट सीरीज। अभी हम सब कुछ कंपेयर कर लेंगे सब समझ भी जाएंगे ऐसा क्यों आया। हाँ तो देखो मैं इस सीरीज को बताता हूं, बड़ा आसान है, आप है ना बस एक किस्सा याद रखना कि आपको पता है ना एक हीरो था जो कि फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के चला गया था और बहुत सारे भिखारी खदीकर गाड़ी चलाकर भिखारियों को खत्म कर गया था और उसके बाद भी वो रिहा हो गया था कोर्ट से राइट, मालूम है ना। हाँ हीरो का नाम क्या था, सलमान खान भाई है ना। तो देखो अब क्या हुआ कि सलमान खान भाई जो है वो गाड़ी चढ़ा के चले गए, देन वी विल आस्क जो भिखारी थे उनसे हम पूछते हैं, लैग हुआ ओके दो मिनट रुको
अभी ठीक है, भाई पे ठीक है। तो अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये सीरीज कैसे है, हम लोग भिखारियों से पूछ रहे हैं कि भाई कौन था, तो बोलता है ना तो फरहान अख्तर था ना फरहान, है ना। फिर उसके बाद बोलता है ना ऋतिक, मतलब जो रितेश देशमुख बोल देते हैं ना रितेश देशमुख। रुक रहा हूं, लैग मैंने सुन लिया, मैं रुक गया, जैसे लैग क्लियर हो जाए मुझे बता। ठीक है अब लैग मत लिखो, लैग मत लिखो, मैं समझ गया लैग होगा, मैं वापस बोल दूंगा, बस क्लियर हो तो दो जन मुझे लिख देना। अरे यार लिखे जा रहे हो लैग, और लैग होगा फिर। ठीक है अब क्लियर हो गया, मैं समझ गया, सबका क्लियर हो गया राइट। अब चुप बैठो एक बार, मतलब आप लिखो मत ऐसे, तुम बार बार लिखोगे और लैग होगा वो। ठीक है तो देखो पहले मैं बोलता हूं ना तो फरहान अख्तर था, ये सब हम भिखारियों से पूछ रहे हैं कि कौन कौन था, ना फरहान अख्तर था ना रितेश देशमुख था ना ही कोई और हीरो, सबके लिए क्या था नो। ठीक है अभी मैं सीरीज याद करा रहा हूं, ये बड़े काम की सीरीज है, क्या था नो। अभी हम इफेक्ट समझने से पहले इस सीरीज को समझ रहे हैं। कौन था सियाना सलमान, सियाना माने साइनाइड और सलमान माने राइट। ठीक है वापस, आज तो यार लैग की वजह से पूरा लेक्चर का सत्यानाश हो गया, मुहूर्त ही आज खराब हुआ है अपना। रिफ्रेश कर लो एक बार, बहुत काम की सीरीज बता रहा हूं, अभी बहुत सारे कंपैरिजन आप धड़ाधड़ करते चले जाओगे इसकी वजह से। सब्र करो, करेक्ट बोल रहा है वो, थोड़ा सा सब्र करो फिर मुझे बोलना। मैं वापस रिपीट करता हूं, देखो उन्हीं भिखारियों पे जिन पे गाड़ी चढ़ी ठीक है, उनसे पूछा गया कि कौन था भाई, ये तो पता चल गया हीरो है, तो बोला ना फरहान अख्तर ना रितेश देशमुख ना ही कोई और हीरो, NH3 सबके लिए क्या है नो है। कौन है सियाना यानी कि साइनाइड सलमान, कौन था सियाना सलमान राइट। सियाना सलमान जिसने क्या किया, कार चढ़ाई, मतलब कार माने कारबॉक्स लिखे, जिसने क्या चढ़ाई, कार चढ़ाई, कार माने कार्बोक्सिलिक एसिड राइट। किस पे चढ़ाई, है ना। तो देखो क्या हुआ, भिखारियों से पूछा ना फरहान अख्तर, वापस रिपीट कर रहा हूं, है ना, उसने पूछा मेरे से अर्जुन ने, तो ना फरहान अख्तर ना रितेश देशमुख ना ही कोई और हीरो, सबके लिए क्या था नो। कौन था सियाना सलमान जिसने क्या किया, कार चढ़ाई, कार किस पे चढ़ाई, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया, कार किस पे चढ़ाई, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया पे राइट। तो हमने बोल दिया किस पे चढ़ाई, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया पे। ठीक है तो अब क्या कोर्ट में पकड़ा गया और उसके बाद पूछा कि यार ऐसा और होगा, मतलब यू रिपीट दी सेम थिंग अगेन। तो अब सलमान को जब रिहा करा गया ठीक है, तो सलमान को जब रिहा किया गया तो उसने फिर वादा किया कि ऐसा और नहीं होगा। तो ऐसा माने क्या होता है, एस्टर। कोर्ट ने पूछा ऐसा और होगा, कैसा और होगा, तो सलमान ने कहा नहीं होगा। तो बोला अगर इससे तीन बार ज्यादा पी ली तो, मतलब तीन गुना ज्यादा पी ली तो, उसने बोला तीन बार ज्यादा पी ली ना तो डबल बार, मतलब तीन बार ज्यादा पी ली तो डबल बार घर पर ही हंस लूंगा या डबल मतलब लॉक लगा लूंगा घर का, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है तो समझे बात को भैया। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपने पूछा देखो होगा माने हाइड्रोक्सिल, ठीक है ऐसा माने एस्टर और होगा,
ऐसा और होगा? तो उसने बोला नहीं होगा, अब की बार तो तीन बार, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अब की बार तो ट्रिपल बॉन्ड, पीकर मतलब फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ट्रिपल पी लेगा फिर भी डबल बार, डबल बॉन्ड, राइट, ट्रिपल पी लेगा फिर भी डबल बॉन्ड, ये जो आपका सी एच टू डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे कर देते हैं अपन, तो ट्रिपल बार पी लेगा तो भी डबल बार घर पर हंस लेगा लेकिन जाएगा नहीं, हंस लेगा मतलब हाइड्रोजन, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, और ये माइनस आई नहीं दिखाता, एक बार ये सीरीज बना लो, काम बहुत करने वाली है तुम्हारी, डन, ठीक है, तो ये सीरीज है, बड़े काम की है, कार माने कार्बोक्सिलिक एसिड, थैंक यू वेरी मच हार्दिक पांड्या, है ना, ठीक है, तो फोकस करो, समझा ना, चल, तो देख वापस बोल दिया, ये सीरीज तो मैं कराई होगी तुम्हारी क्लासरूम में पहले भी, और ये इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज होती है, अब देखो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट समझने वाले हैं, ठीक है, तो सब लोगों ने नोट किया, सबको अच्छा लगा सीरीज तो फटाफट लाइक ठोकते चले जाओ, ठीक है, लास्ट में बोलता हूँ वापस से, देखो भिखारी से पूछा ना फरहान अख्तर ना रितेश देशमुख ना कोई और हीरो, सबके लिए क्या था, नो, कौन था, सियाना सलमान, जिसने क्या किया, कार चलाई, किस पे, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया पे, ठीक है, कोर्ट ने पूछा ऐसा और होगा, तो उसने क्या बोला, नहीं होगा, इसको बताने के लिए उसने बोला ट्रिपल बार पी लूंगा, ट्रिपल बॉन्ड पी लूंगा, डबल बॉन्ड, राइट, ट्रिपल बार पी लूंगा तब भी हंसकर घर पर रह जाएगा मतलब हाइड्रोजन, पर अब की बार कुछ नहीं करेगा, लाइक करो यार ये वाली सीरीज अगर मस्त लगी तो, ठीक है, ये रेफरेंस के लिए, हाइड्रोजन इज जस्ट फॉर रेफरेंस, हाइड्रोजन आपका माइनस आई नहीं दिखाता है, अब क्या है माइनस आई और क्या है प्लस आई उस पे आते हैं, राइट, ठीक है, चलो तो अब मैं इस पार्ट को हटाता हूं रेफरेंस के लिए, है ना, इसको हटा दो, सीरीज को हटा दू, यार ऐसे बहुत टाइम लग रहा है पता है तुम्हें, ये पार्ट कई लोगों का हो भी चुका है, हाँ हाइड्रोजन के नीचे बच्चे मैंने लिखा है रेफरेंस के लिए, हाइड्रोजन माइनस आई नहीं दिखाएगा, वो रेफरेंस बताएगा कि इससे ज्यादा डोमिनेटिंग है या कम डोमिनेटिंग है, राइट, यस, आए देखो मजा आ रहा है, चिंता मत करो बहुत मजा आ रहा है अभी, अब बच्चे मैं क्या करता हूं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको दो कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो, तो प्लस आई और एक होता है माइनस आई, ठीक है, राइट, एक तो होता है प्लस आई और एक क्या होता है माइनस आई, पहली बात तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है पहले इसको जरा समझ लेते हैं आप लोग, इस एग्जांपल भी ले लूंगा, ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं जैसे मैं कोई भी ग्रुप बोल देता हूं आपका, जैसे यहां पे बोल दिया H या ये इधर का कार्बन 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 और ये सी, ऐसा कुछ किया, तो अगर बच्चे मैं बात करूं यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, ये सिग्मा बॉन्ड में काम करता है, इट वर्क्स फॉर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये पार्शियल डिसलोकेशन होता है, पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, तो अगर बच्चे पीयूष ने क्या बोला है भाई, पीयूष पीयूष सब लोग बोल रहे हैं पीयूष ने सही बोला है, आलोक मेरा नाम है सुमित, मेरे को तो दिखाई नहीं यार पीयूष तेरा मैसेज, ठीक है, ठीक है, तो अभी करेंगे बच्चे पार्शियल
मतलब जो है यहाँ पे, और ये बड़ा टेम्परेरी सा है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिसलोकेशन नहीं हुआ है। जैसे जब आप रेजोनेंस देखोगे ना, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली डिसलोकेट हो जाता है आपका, यहाँ पे कंप्लीटली डिसलोकेट नहीं होगा, समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल अगर मैं बात करूं, ये बंदा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट? बट एट द सेम टाइम, अब ये जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, एंड सिंस अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो ये जो इसका पड़ोसी है, इससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन को कि भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे किसी ने लूट लिए हैं इलेक्ट्रॉन। और जब ये इससे मांगता है, तो सामने वाला इस पे हेल्प भी करता है और ये इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये पार्शियल इस तरह से, और फिर ये और इलेक्ट्रॉन देगा तो और कम, ठीक है? तो इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज था इतना इस पे नहीं होगा, और इसको लिया तो ये और कम। तो बेसिकली मैं बोलूं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है दैट इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं यहां पे इससे ना करके, मैं इसे 1, 2, 3 और 4 कर दो, राइट? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज है, दिस इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4। एंड दूसरी बात, विद द लेंथ, ठीक है, विद डिस्टेंस, this effect decreases, तो with a distance ये जो effect है ये क्या होगा आपका? Decrease होगा, समझ रहे हो बात को? तो पहली बात तो ये, और यहां पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो partial charge कम होता जाएगा, क्योंकि देखो धमाका यहां हुआ है, आग यहां लगी है, सबसे पहले इसने लिया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद धीरे धीरे करके बस बात फैली, तो जितने दूर जाएगा उतना कम बात, ठीक है? तो एक तो हमें ये वाली बात पता चली। तो यहां क्या हुआ, इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? विथड्रॉ, ठीक है? इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? विथड्रॉ किया। बेसिकली मैं इधर से इस चीज को बोल सकता हूं कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड, समझ रहे हो बच्चों बात को? देखो कई लोग इस चीज को पढ़ भी चुके हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारी चीजों से इसे क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आपका जो माइनस आई इफेक्ट है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, और खींचते ही जैसे ही फिर इस पर पार्शियल पॉजिटिव आया, तो इस साइड वाले से मांगेगा, इसने इसको हेल्प किया, इस पर और पॉजिटिव आ गया, फिर इसने इसे किया, और इस तरह से ट्रांसफर होता जाएगा, पर ट्रांसफर तो कम होता जाएगा। पहले भी कराया यार देव, बिल्कुल कराया है ना? तो अब ये तुम लोगों के लिए एडवांटेज है कि वापस करवा रहे हैं, क्योंकि अब 2 महीने का ब्रेक भी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले इफेक्ट को आप क्या कहते हो? माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली अगर मेरे ऐसा हुआ कि ये कार्बन है और यहां मैंने मान लो CH3 ग्रुप लगा दिया आपका, ठीक है? अब अगर मैंने यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाया है, तो आप जानते हो जैसे मैं यहाँ पे इसी तरह से CH, H और H, और ये किसी भी ग्रुप से अटैच है आपके से, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? कार्बन ज्यादा है, यही तो बताया था आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से इसने भेजा इसके पास, ये बंदा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये आगे ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। तो जो बंदा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हो? प्लस आई इफेक्ट।
मैं सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अभी तो बस हिंट चल रही है। अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड, और बेसिकली ये भी कैसा होगा, पार्शियली होगा, पार्शियल, ठीक है। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही देव ने आंसर दिया है ना। तो मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, ठीक है, माइनस आई का कंपैरिजन करते हैं। पहले हम अपनी सीरीज नहीं लगा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, क्लियर भी कराऊंगा, है ना। तो अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इस पार्ट को मैं हटा रहा हूँ पूरे को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और अब चलते रहेंगे यार क्वेश्चंस। मैं एक्चुअल में कुछ कराऊंगा भी नहीं तुम्हें ऑर्गेनिक में, बस क्वेश्चंस ही कराऊंगा और वही कराते रहूंगा दर दर करके। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊ ना, अगर तुमने उतने बड़े अच्छे से समझ लिए तो तुमको आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ठीक है। जो बच्चे जैसे थाने में पढ़ते हैं उनको पता है, थाने वालों को, कि हम लोगों ने दो बैच है ना थाने में, दोनों बैचेस को ले रहा हूँ, अंधेरी वालों को भी पता है, तो कितने क्वेश्चंस करते हैं हम लोग क्लास में, कोई मॉड्यूल कोई बुक बचेगी नहीं, ठीक है। तो एक बार लिख लो, थोड़ा सा लिखो जल्दी से, तो कुछ नहीं है, बस जनरल मैंने हिंट दिए, अब मेन क्वेश्चंस है उन्हें जरूर लिखते हुए चलना। तो थाने वाले से पूछ लेना कि हम लोग जब करते हैं तो क्वेश्चंस इतने शुरू होते हैं क्वेश्चंस खत्म होने का नाम नहीं लेते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चंस ही है, राइट। चलो हटा दूं इसे, हटा दूं, बोलो बच्चों हटाओ। आर्यन नहीं दिख रहा मुझे, आर्यन गया, अर्जुन गया ना, ऋत्विक गया, ऋत्विक है, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। ऋषभ, थाने ब्रांच में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, मैं फिजिकल थाने में नहीं पढ़ाता, वो बोरीवली और तुम्हारे सबके ब्रांच में, कहीं नहीं गया हूं, ठीक है। चल अब देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ बंदों को यहाँ पे करता हूँ, आपने इन्हें क्या करना है, माइनस आई के अंदर अरेंज करना है, ठीक है। माइनस आई में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, खुद ही देखो तुम सब कुछ अरेंज करते जाओगे, मैं तो बस क्वेश्चन दे रहा हूँ। OH, SH, ठीक है, OCH3, SCH3, O फिनाइल, S फिनाइल, NH2, PH2, CCl3, CBr3, CF3, CI3, और लिख आता हूँ CN और CH, NH और ले N O और N O, NF3 प्लस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही, NH3 प्लस C O H C O C L, चलो अभी NH3 NR3 को भी बताते हैं। चलो चेक करें इसके आंसर्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देख सबसे पहले मैं बता देता हूं, माइनस आई वो ज्यादा दिखाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा, राइट। तो देख वेदांत, एक क्वेश्चन का मैं दे दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये कुछ ऐसा,
माइनस आई का ट्रेंड है, तो वी आर कंपेयरिंग द माइनस आई ट्रेंड, राइट तनुष? एक और बता देता हूं, ऑक्सीजन है और सल्फर है, बोलो आपको सीरीज तो याद ही है, ओ स्टाइल से टीपीओ, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, खत्म हो गया। एक और बताता हूं, ऑक्सीजन और सल्फर में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, आगे क्या आप करो सारे। अच्छा एक और बात बता दूं, अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर उसमें एस ऑर्बिटल के करेक्टरिस्टिक ज्यादा है तो एस ऑर्बिटल इज क्लोज टू न्यूक्लियस। तो अब तुमने करना क्या है, तुम्हें ना 1 2 1 2 करते जाओ, तो जैसे जिस जगह 2 1 आए उस जगह 2 1 लिख देना, जैसे इसका है 1 2 3 आए तो आप ऐसे 3 2 1 जो भी आ रहा हो ट्रेंड वो लिख देना, जल्दी से करो। हम लोग बस माइनस आई का कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं बहुत मजा आ जाएगा आपको बाद में जाके, यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट, और जो रटने का होगा वो मैं रटा ही दूंगा। चलो चेक करें, इसको भी चेक करें, ओ फिनाइल एस फिनाइल, ओ फिनाइल है ना, NH2PH2, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया गया इसको। अब बात करते हैं, देखो सारे के सारे कार्बन ही है, बट एक बार है ये कार्बन क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन है भाई माइनस आई वाला, ये जितना ज्यादा क्लोरीन खींचेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देगा, तो नंबर 1 पे तो जाएगा CF3। तो आपको पता ही है फुल कलर, सॉरी क्या था, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, सबको समझ में आ रहा है ना। इधर वाले पे बात करूं तो इसके हाइब्रिडाइजेशन देखो, देखो 2 सिग्मा है और जो बचे हुए हैं वो दोनों पाई है आपके, है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है SP और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है आपके कितने पाई हैं, 1 पाई है, जो नंबर ऑफ पाई होता है वो हाइब्रिडाइजेशन से हट जाता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP2 है। तो अगर मैं बात करूं इसके पास परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, और जिसके पास परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस तरह का आएगा। इधर बात करूं नाइट्रोजन है, तो देखो यहां से तो बराबर पुलिंग है ऑक्सीजन से, बट इधर एक और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो ये इसको पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, तो ये आ गया इसका। अब बात करूं NF3 और NH3, दोनों नाइट्रोजन है, प्लस का चार्ज लगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, तो ऐसा कुछ हो गया। यहां देखो कार्बन है, दोनों कार्बन है, ऑक्सीजन तो बराबर पुल कर रहा है, बट ये जो क्लोरीन है ये इसके इलेक्ट्रॉन को और पुल कर रहा है, दैट मेक्स इट मोर डेफिशिएंट, मोर डेफिशिएंट, और ज्यादा डेफिशिएंट होगा तो इस तरह का। सबको आता है समझ में, किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट, जैसे मैं डाल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी को भी इन 10 में से किसी भी जगह डाउट नहीं ना, चल और आगे बनाता हूं मैं आपको, सब सही, चल बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो अब इसे और आगे बढ़ाएं, जसजोत नहीं है यार आज क्लास में, जसजोत नहीं है, है ना, नो डाउट। चलो और लेके जाता हूं, NH H और H, समझ के चलना, देख चार इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, मतलब चार 1 2 3 4 5 होने चाहिए थे, और एक और बनाता हूं NR R और R। अब तुम्हें बताता हूं, देखो R माने वही अल्काइल ग्रुप से है यहां मतलब, तो अगर मैं बात करूं दोनों नाइट्रोजन है और दोनों साइड यहां पे हाइड्रोजन है, पॉजिटिव वाला ही है आपका, बट यहां पर ये बॉन्ड होगा छोटा हाइड्रोजन की वजह से, और ये अल्काइल ग्रुप है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो और दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होगा ये बड़ा हो, ठीक है। और मैं दूसरा तरीका भी बता सकता हूं, ये आपका 2p ऑर्बिटल होगा और ये 2, ये 1s होगा इसका, ठीक है, और ये क्या होगा आपका 2p होगा और ये भी 2p होगा,
तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है आपकी ज्यादा पास वाली ओवरलैपिंग होगी, मतलब ये ऑर्बिटल क्या होगा? सर समवन हैज अ डाउट, सेवंथ वाला ये वाला देख बच्चे, ये कार्बन है, अब एक के अलावा देख नॉर्मल 111 बॉन्ड रहेंगे, अगर जो भी एक्स्ट्रा वो पाई है तो दो पाई है, तो एक्चुअल में देख sp3 होता है ना, दो पाई है उसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या बचा sp, एक पाई है तो क्या बचा sp3 में से एक गया तो sp2 हो गया, जिसमें s वाला ज्यादा होगा वही जीतेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड है पांच पांच, छोटा बॉन्ड है तो ये बॉन्ड है आपका, बड़ा बॉन्ड है आपका, तो सिंस अगर ये बॉन्ड आपका छोटा है ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल जल्दी हो जाएंगे इसको, और जितनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, एक मिनट में मार्कर ले लूं, तो उतना ही कम डिफिशियंट हो जाएगा, लेस डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए, तो दूर हो गए तो जल्दी नहीं आ पाए इस पे पास, तो ये क्या होगा मोर डेफिशिएंट, और जो बंदा मोर डेफिशिएंट होगा इसका माइनस आई क्या होगा ज्यादा। और वैसे भी आपको पता है, आपने किया था ना, ना रितेश देशमुख ना ही कोई और हीरो, हाँ sp 50% कैरेक्टरिस्टिक होता है और sp2 में 33% होता है, राइट। अच्छा अब देखो मैं तुम्हें देता हूं इसका बताना, ये देखो ये सारे ट्रेंड है ना, हमने वहां पे सीरीज में देखे थे, अभी तुम लोगों को समझा भी रहा हूं, सीरीज तुम्हें याद रहनी चाहिए वो ज्यादा अच्छा होता है। जैक इसको इसको देख, जैक ये हाइड्रोजन है, छोटू है, छोटा बॉन्ड है, या आ रहे या बड़ा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन दूर है इससे तो सप्लाई क्या होगी, धीरे होगी, क्योंकि तुम्हें पता है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना देर से सप्लाई होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये पॉजिटिव चार्ज था नाइट्रोजन पे, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा समय तक पॉजिटिव चार्ज नहीं रख पाता है, तो उसने आर माने एल्काइल ग्रुप है, आर माने एल्काइल ग्रुप है, राइट, ये CH3 ग्रुप है भाई, जैसे मैंने बोल दिया CH3 और CH3, ये तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से दूर, अब इस पे सप्लाई कम हो रही है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जल्दी चाहिए, या तो इधर से ले लेगा या इधर से ले लेगा, तो ये पहले ही इसने सप्लाई दे दी, मतलब ये दे नहीं पाया सप्लाई, दूर था, इसने जल्दी सप्लाई दे दी, दैट मेक्स इट लेस डेफिशिएंट एंड दिस मेक्स इट मोर डेफिशिएंट, क्या समझे। यहां पे बात करो ये ट्रिपल बॉन्ड है, कैरेक्टरिस्टिक आएगा एसपी, यहां पे क्या आएगा sp2, सिर्फ परसेंटेज एस करेक्टर 50%, यहां कितने होंगे 33%, क्लियर। चल और देता हूं, हम लोग क्या एक एक इफेक्ट को लेते चलेंगे, तो ऑर्गेनिक अपनी धीरे धीरे ही चलेगी यार, जीओसी भी हमने लास्ट तक खत्म कर लिया तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, यहाँ जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, लॉकडाउन में इतना भी हो गया ना तो बहुत अच्छे से एकदम सब समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा, ये वन है और ये टू है, बताओ आप कौन ज्यादा, पीयूष बिल्कुल करेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं तीन नंबर है और यहाँ डबल बॉन्ड कितना है एक नंबर, इसका इंडक्टिव आ रही है ना बात समझ में। ठीक है अब मैं कुछ और एग्जांपल मतलब क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपने उसमें बताना है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। देखो आई सीरीज आपने याद कर ली बहुत अच्छी बात है, बट कंपैरिजन पे क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप बना सकते हो, मैं पूरा डिटेल में लेके जाऊंगा शुरू से लेके बाद तक। तो अब देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर वन, वन टू थ्री में आप अरेंज कर सकते हो,
फटाफट बच्चों कंपैरिजन करो इनका। अब देखो फिर इसके बाद हम कुछ रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड। तो सब बढ़िया से समझ में आता जा रहा है, लाइक बढ़ाते चले जाओ भाई। ठीक है, तुम्हारे जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती थी, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते थे, सबको बहुत आसान बना दूंगा आपका। ठीक है, चिंता मत करो, कितनी जल्दी से चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हो, आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, लाइक बढ़ाते चले जाओ फटाफट से। डन, चलो चेक करें, 76 ही हुए हैं आज, आओ जरा चेक करते हैं। देखो तीनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बट इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप कौन है? ऑक्सीजन है, इसमें दो है, इसमें एक है और इसमें एक भी नहीं है। यहां देखो 1, 2 और 3 पुलिंग, यहां पे दो पुलिंग ग्रुप है तो ये ज्यादा है। यहां पे क्लोरीन है इसका पुलिंग, यहां पे एक है, यहां पे दो है, यहां पे तीन है, तो ये इस तरह से। कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताना। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फ्लोरीन एक है, यहाँ फ्लोरीन तीन है, ये ज्यादा। इधर बात करो तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, खत्म हो गया। राइट, किसी भी जगह किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट। 43 वॉचिंग, ऐसे यार फिर मजा नहीं आएगा, फिर हम जीओसी का हटा देंगे, फिर हम दूसरा वाला ही वो ट्रैक लेते हुए जाएंगे ना, अगर बच्चे कम रहे तो। फर्स्ट वाला नहीं समझा, देख नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। यहाँ पे दो पुलिंग ग्रुप है, मतलब दो माइनस आई वाले, यहाँ पे एक है और यहाँ पे जीरो है इसके। जितने ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया जाएगा, उतना ही ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया जाएगा, तो ये दूसरे वाले पे उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। राइट, तो हम तो दूसरा ट्रैक ले लेंगे, अगर तुम लोग मतलब ऐसी स्ट्रेंथ रही तो फिर मजा नहीं आएगा फिर इसमें, है ना। इस पार्ट को तो मैं करा ही रहा हूँ, मैं मतलब दूसरे ट्रैक को तो लूंगा ही लूंगा आपके को, बट ये पार्ट हमारा साइड से चलता रहेगा ये वाला, मैंने ऐसा सोचा था। बट अगर तुमको नहीं इंटरेस्ट आएगा तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, है ना। ये कम है, 71 पे मेरे को काम नहीं चलेगा भाई। अपनी क्लास वालों से बोलो सबसे एक्टिव रहेंगे तभी हम इसको ऑन कर रहे हैं, है ना, हटा देंगे। और वैसे भी ये वाला टॉपिक पहले से ही तुम्हारी ब्रांचेज में हो चुका है, तो मैंने बहुत मुश्किल से इसकी परमिशन ली। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक बात बताओ मुझे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। कोई बंदा भिखारी है, है ना, ये कोई बंदा भिखारी है, भिखारी, भिखारी को हम लोग यहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो भिखारी होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी बेसिकली बोलूं, इसकी स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब मैं कौन सा ग्रुप यूज करूंगा, माइनस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इस भिखारी को, हाँ इस भिखारी को जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, है ना, जब इस भिखारी को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ही विल फील मोर सेटिस्फाइड। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और अगर मैं बात करूं, कोई एक रिची रिच है, रिच, ठीक है, उसकी अगर स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी, ये देखो कुछ ऐसा एग्जांपल है, मान लो तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम रिची रिच नहीं, लेकिन तुम्हारा बढ़िया से ऑक्टेट ऑक्टेट सब कंप्लीट है, और कोई बंदा एकदम तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारी जेब में 5-10 रुपए दे गया कि ले बेटा रोटी खा लियो, ठीक है, तो अच्छा लगेगा, खराब लगेगा ना बहुत ज्यादा। रस्ते में जा रहे हो, जाते आते कोई ये क्या, अरे बेटा 2 रुपए की रोटी खा लियो, तेरी शक्ल ही गरीब जैसी है, ठीक है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आपने क्या किया, मान लो आपके पास, ठीक है, आपका ऑक्टेट पूरा है, तो अगर आपने माइनस आई इफेक्ट वाला कोई बंदा दे दिया इसको, जिसका ऑक्टेट पूरा है, तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्या समझे, तो इज्जत उतर जाएगी यार पूरी तरह से। तुम सोचो चलते चलते एकदम से दे दे, तुम्हारे घर वालों के साथ में एकदम बोलेंगे, तुम मम्मी के साथ जा रहे हो और तुम्हें जाते जाते ऐसे बोला जाए कि
अरे मैडम ये बेचारे को कुछ खाने के लिए दे दिया करो, आपने नौकर मतलब ऐसा पाल रखा है, ठीक है। हाँ प्लस आई ले रहा हूं, अभी तो माइनस आई से कंपैरिजन करवाया रही है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला रिची रिच को दे देगा तो उसकी स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाएगी और उसको दिया तो बढ़ जाएगी। ऑन द सेम टाइम अगर कोई ऐसा बंदा आ गया, ये बेचारा भिखारी है, भीख मांग रहा है, कटोरी में इसके 2 रुपए पड़े हुए हैं, एक बंदा आया और लेके वो 2 रुपए चुरा के भाग गया, तो इसकी भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी और डिक्रीज। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस, राइट, है ना, व्हाइल दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस। हाँ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, मेरे से गड़बड़ होगी, सॉरी 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 सॉरी, अगर भिखारी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, उल्टा कर गए, भिखारी है तो उसको चाहिए प्लस आई, ठीक है, डोनेटिंग, और माइनस आई इनवर्सली, यहाँ पे इसका उल्टा, ठीक है। छोटे छोटे ह्यूमन एरर होते रहते हैं, है ना, हाँ वो सही कर रहा दिया, जो मैंने उल्टा बोल दिया वो सही कर दिया, ठीक है, राइट 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 राइट, ठीक है, करेक्ट है ना। तो इसको प्लस आई माने क्या है, ये विड्रॉइंग, विड्रॉइंग, और ये क्या है, डोनेटिंग, डोनेटिंग। फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, डोनेटिंग नहीं यार, फिर से मैं कहां आज दिमाग चल रहा है, ये क्या है, डोनेटिंग, डोनेटिंग, और ये क्या है, विथड्रॉइंग। इसको विड्रॉ करने वाला नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, डोनर चाहिए, राइट, इसको क्या चाहिए, डोनर चाहिए, हाँ समझेगा, वो क्या भावनाओं में बह गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये भिखारी कौन था, कार्बो कैटायन और फ्री रेडिकल, राइट, और ये जो रिची रिच था ये कौन था हमारे पास, कार्बो एनायन। क्या आपको बात क्लियर है, हाँ यार मेरा भी मूड थोड़ा सा ऑफ तो हो ही गया, है ना, इतना अच्छे से तुम्हें सोचा था कि चलो आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से, तो काम खराब हो जाता बहुत ज्यादा, दिमाग लैग हो गया। डन, इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब आप इसके स्टेबिलिटी के ट्रेंड बताओगे, जो कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, यू विल गिव मी आंसर कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, राइट। चलो अब मैं कई सारे क्वेश्चंस बना देता हूँ, यू विल आंसर मी, इसको हटा रहा हूं मैं, हटा दूं, आया ना, देख जय वापस समझाता हूं, ये एक भिखारी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन सा, कार्बो कैटायन और फ्री रेडिकल, हमने देखा था इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, तो एक बंदा है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और एक बंदा है जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, तो भिखारी को लूटने वाला उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, व्हाइल भिखारी को दान देने वाला उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड आप हो, आपकी जेब में किसी ने लेकर और पैसे डाल दिए, है ना, आपकी जेब में पैसे डालने वाला आप गुस्सा हो जाओगे, आपकी इज्जत उतर जाएगी, भले ही आपकी शक्ल भिखारी जैसी है लेकिन भिखारी हो तो नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लस आई वाला है ये आपकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। व्हाई, कोई दानवीर है और मतलब आप ऐसा करोगे, मतलब घर वालों के सामने जा रहे हो, रुको यार मैं 1 रुपया देता हूँ, तो यू विल फील वेल कि मतलब तुम्हें अपने अमीर होने पर, मतलब अपने रिच होने पर अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इसे मैं बोलता हूँ ये कौन है, कार्बो एनायन, जिसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सिंस रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन देने में अपनी स्टेबिलिटी चला गया। डन है ना, सबको समझा, चलो अब बच्चे मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को हटा, अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं, सच कड़वा होता है। अभी हम जितने भी आंसर दे रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, हम कोई और इफेक्ट नहीं लगा रहे, कुछ समय बाद हम मल्टीपल इफेक्ट्स लगाएंगे और एक एक करके पहले इफेक्ट्स को सीखेंगे देन मल्टीपल इफेक्ट लगाएंगे।
आपको ये स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ये सब कार्बोएनायन है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जल्दी से, ठीक है। देखो यहां पे आपकी सीरीज बहुत काम आएगी आपके, फिर और क्वेश्चंस देता हूं, फिर कार्बो कैटायन दे दूंगा मैं आपकी, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको कहीं कोई बुकलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल भाई हार्दिक है ना, मूड ऑफ मत करो लाइक की वजह से, पहली बात लाइक्स बढ़ाओ भैया, 84 पहुंचे हुए हैं, मजा नहीं आ रहा है ना, सेंचुरी बढ़ाओ जल्दी से, बच्चे भी कम दिख रहे हैं, मतलब डीमोटिवेशन आ रहा है आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा। कल देखते हैं कुछ और फिर स्टार्ट करेंगे, डन। तो लेट्स चेक, आपके 10 हो गए ना, 10 तक के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। केवल आप लोग जो भी इफेक्ट देखे हैं है ना, केवल आप लोग जो भी इफेक्ट देखे हैं, ठीक है, वो सारी के सारे, हाँ वॉचिंग भी कम है यार, वही तो देख रहा हूं बहुत कम है, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल, सही बात बताऊं, लैग है, देखते हैं क्या है। लॉकडाउन खत्म होने तक, खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है इसे। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ एक बार, सबसे पहली बात देख लेना सब कार्बो एनायन है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है बंदा, और रिची रिच को अब यहाँ पे सबके सब हमें माइनस आई से ही हमने देखा है, तो उसी से कंपैरिजन करने हैं, तो आपको रिच को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बंदा चाहिए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, जितना ज्यादा माइनस आई। तो क्लोरीन और फ्लोरीन आपको पता फर्स्ट क्लास भिखारी होता, सेम पोजीशन पे हैं दोनों के दोनों, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा, सो ये इस तरह से, यहाँ पे दो क्लोरीन है तो ये इस तरह से। यहाँ बात करो तो देखो आपने क्या सीखा था, ना फरान अख्तर है ना, सबके लिए क्या था, नो था आपका, तो बेसिकली कौन है आपका, NF3 ज्यादा है तो ये वाला इस तरह से। इधर बात करो तो देखो सब पे ऑक्सीजन है, बट ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितनी दूर ऑक्सीजन होगी उतना कम पुलिंग होगा, ठीक है, ये 1, 2 और 3 पे इस तरह से लिया मैंने, तो यहाँ पे दूर होता जा रहा है, इसने ज्यादा पुल किए तो ये ज्यादा स्टेबल, ये तो स्टेबल। यहाँ देखो ये फ्लोरीन दूर है और यहाँ फ्लोरीन पास है, तो जो पास वाला होगा वो ज्यादा पुल कर पाएगा दूर वाले के। इधर बात करो तो हमने क्या बोला, यहाँ पे NO2 है, देख NO2 और NO आप कंपेरिजन कर सकते हो, विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, क्योंकि इसके दो ऑक्सीजन पुलिंग है इसमें, जबकि इसमें एक ऑक्सीजन पुलिंग है, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा तो ये ज्यादा स्टेबल, राइट। इधर बात करूं तो ये फिनाइल है और ये डबल बॉन्ड है, तो आपको बोला था डबल बार पीके है ना,
डबल बार पीके, सॉरी ट्रिपल बार पीके डबल बार हंस लेगा, मतलब ट्रिपल के बाद फिनाइल आता था, फिनाइल इज मोर, तो ये वाला होगा। यहां बात करूं ये CH3 है ना, ये उल्टे इलेक्ट्रॉन गिविंग है, ये वाला बंदा ये प्लस आई कर रहा है, ये उसको वापस से पैसे देके उसकी बिज्जती कर रहा है उसकी, ठीक है। मैं वापस बोल दूंगा जो भी आपका अटकेगा क्वेश्चन, मैं वापस बता दूंगा, एक बार मैं थोड़ा सा जोश में इसे खत्म कर दूं। ये माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन को इसको खींचेगा तो दिस विल बी मोर स्टेबल। यहां बात करो तो क्लोरीन पास है, और यहां बात करो तो क्लोरीन क्या है, दूर है, तो जो पास वाला है वो ज्यादा है। इधर बात करो ना फरहान, ना रितेश देशमुख, ना कोई और हीरो, खत्म। अब मुझे बता दो कौन सा वाला चाहिए आपको, बताओ, कोई भी डाउट। थर्ड वाले में थर्ड वाला कंपाउंड, ओके हम भूल ही गए इसे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, ना फरहान अख्तर, ना रितेश देशमुख, तो ना फरहान वाला फर्स्ट, ठीक है। सबके लिए क्या था, नो, तो ये आ गया टू, और फिर आता था सयाना सलमान, तो थर्ड नंबर पे। सबको क्लियर है ना कहानी, सनी, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट, हाँ यार, हाँ हाँ मेटापोजिशन पे पीयूष, एक्चुअल में क्या है, इंडक्टिव तो सब जगह ही काम देगा, बट बाद में जाके और इफेक्ट होंगे, वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, तो वील कंसीडर, मतलब तब मेटा हो गया ना, तब हम इसी को कंसीडर करेंगे, इंडक्टिव को, समझ रहे। बिल्कुल यार, अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो समझोगे, अभी तो अपने आप को ऐसा मान लो कि बिल्कुल एकदम खाली है दिमाग अभी हमारा, फोर्थ 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 आ जाओ, देखो फोर्थ पे सबकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग तो ऑक्सीजन से है, बट ये ऑक्सीजन ज्यादा पास है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, ये दूर हुआ ये और दूर हुआ, तो ये ज्यादा पास, ये दूर, ये और दूर है, तो ज्यादा इफेक्टिव, मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग कौन करेगा, ये ऑक्सीजन करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा, खत्म। आ रहा है ना मजा, चल बहुत बढ़िया, तो और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, खूब मजे लो यार, बहुत अच्छे से तुम्हें कराऊंगा सारी चीज, जो भी पढ़ाऊंगा तो मैं चैप्टर पूरे दिल से शिद्दत से बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। एट वाला सर प्लीज, एट वाला, एट वाला, एट वाला। देख एट वाले के साथ अगर मैं बात करूं तो ये है ऑक्सीजन, इस पे है माइनस चार्ज, सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो तो कॉमन है, बट बच्चे एक बात बता, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये इसको उल्टे इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये वाला CH3 इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन खींच पाए, जितने इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा मोर विल बी द स्टेबिलिटी, देख दर्शन कोशिश करें, शायद कल कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट वीक के जो पहला लेक्चर होगा ना तब हम लोग कर लेंगे उसे, ठीक है। चलो बच्चों, तो इस पार्ट को मैं हटाता हूं यहां से और क्वेश्चन से। अरे बहुत क्वेश्चंस हो गए आपके दिमाग में, दिल में, जब तक नहीं बैठ जाएगा पूरी तरह से कंसेप्ट तब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे। लेट मी चेक द टाइम, चल दो तीन क्वेश्चन तो करा सकते, अब देखो बच्चों मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है और दो पे चलिए फ्री रेडिकल भी मिला देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड ये है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस चीजें आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। फटाफट करें बच्चों। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये खुद भिखारी है, इसे लुटेरा नहीं चाहिए, और अगर कोई लूट भी रहा है तो कम लूटने वाला चाहिए। तो स्टेबिलिटी एक्चुअल में बड़ी जरूरी होती है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करने में काम में आती है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताती है, थोड़ा बहुत रिएक्शन के बारे में पता चलता है। चल थैंक यू वेरी मच अद्वित। चलो चेक करते हैं सबके आंसर्स। अब ये पॉजिटिव है, इसे कम लूटने वाला चाहिए, फ्लोरीन ज्यादा लूटेगा, ये थोड़ा कम लूटेगा, दिस विल बी मोर स्टेबल। यहां पर इस कार्बन को बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया है तीन फ्लोरीन ने, राइट? जबकि ये वाला जो है, अच्छा ये CF3 पास है, ये CF3 कहां हो गया, दूर हो गया, तो जितना दूर होगा उतना कम लूटेगा ये वाला। अगेन इसका वाला जो लुटेरा है वो दूर है, और इसका वाला लुटेरा है जो पास है। यहाँ पे दो लुटेरे हैं, यहाँ पे एक दान तो दे रहा है कम से कम, दिस विल बी मोर स्टेबल। इधर बात करो तो क्लोरीन और फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन और फ्लोरीन है, ये बिल्कुल गंदी तरह से इसे लूट लेगा, और ये थोड़ा सा कम लूट पाएगा। इधर बात करो नो, और ये हमारा क्या था ना, रितेश देशमुख, आप लोगों ने देखा था, तो रितेश देशमुख पहले आता तो ये बहुत बुरी तरह से इसे लूटेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता ना आपका फ्री रेडिकल, और ना रितेश देशमुख ये कम लूटेगा, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। सियाना सलमान और ये पीने वाला तो हमारा बाद में स्टेटमेंट आया था, तो ये ज्यादा लूटेगा ये कम लूटेगा, ये वाला। अब चेक कर लो, डन। अभी देखो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस चलेंगे, देन वी विल कम टू रेजोनेंस, है ना। नहीं जीओसी लूंगा जगजीत, बट जीओसी के साथ साथ हमें दूसरा ट्रैक भी लेना है, हमारे चार लेक्चर होते हैं, हम दूसरा ट्रैक भी लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, अब ये बताओ आज आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए, सिक्स्थ वाला एक बच्चे ने पूछा, ओमकार ने, सिक्स याद कर हमारे पास क्या ट्रिक, एक बार वापस देख बता दो, तो मैंने बोला ट्रिक याद रखना क्या थी, ना फरहान अख्तर, ना रितेश देशमुख, ठीक है, ना ही कोई और हीरो, सबके लिए क्या था, नो, कौन था, सियाना सलमान। अभी तो कह रही यहीं से काम हो जाएगा, नो और रितेश देशमुख, रितेश देशमुख यहाँ है और नो यहाँ, विच वन इज मोर इंडक्टिव वाला, ये वाला ज्यादा इंडक्टिव वाला, हमें कम इंडक्टिव चाहिए। हमारे को कोऑर्डिनेट्स ने कंप्लीट किया है पेरेंट्स से, क्यों कंप्लेंट किया है हार्दिक? ठीक है चलो बच्चों, तो मेरी ख्याल से सबको अच्छे से फोर्थ वाला बता दो, फोर्थ वाला रुक जाओ, यहां देखो बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे दो जन, और ये वाला तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है CH3, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उल्टे, तो ये डोनेट कर रहा है तो ये सपोर्ट कर रहा है ना इसका, और ये बिल्कुल एकदम भिखारी को बुरी तरह से लूट लिया, यहाँ पे दो लुटेरे हैं, यहाँ पे एक लुटेरा है और एक दानवीर है, so this will be more stable, right?
ठीक है, चल मिस्टर अननोन, तो कहीं ना कहीं आपको फील आया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी हमारे से हो जाएगी, है ना? राइट, सेंचुरी डन, वेरी गुड, चल थैंक यू वेरी मच बच्चों, और सेंचुरी डन। कोई और डाउट? थैंक यू, है ना, 100 हो गया, अब इसको 99 मत कर देना भाई, ठीक है? तो सबको आज कॉन्फिडेंस आया? नहीं वीना, अभी मैंने बोला ना, अभी हम पे जितना ज्ञान है हम वही चीजें लगा रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग रेजोनेंस, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ नहीं बोल रहे। एक एक करके सारे इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर सबको निकालेंगे तो आंसर चेंज होंगे बाद में, ठीक है? चलो तो सबको मजा आएगा, चिंता मत करो। ओके भाई बाय, ठीक है। वीना को मैं वापस बोलता हूँ, रेजोनेंस बच्चे हम अभी नहीं सीखे, अभी हम सीखे ही नहीं रेजोनेंस। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, बहुत सारी जगह अभी तक कराया नहीं है ये वाला पार्ट ना, ये चैप्टर हुआ नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। चलो बाय।